थग लाइफ बहुत हो गया भाई थग लाइफ, क्यों ना थोड़ा बहुत रोस्ट हो जाए। और भाई वीडियो शुरू होने से पहले ही तुम लोगों को बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भाई लास्ट में मैं किसी को बहुत जोर से रोस्ट करने वाला हूं आज। हाँ तो भाई बात करते हैं सेवेजनेस प्लस क्रिंज के भंडार ग्रह की, यस द लॉकअप। भाई लॉकअप अभी इंडिया में एकमात्र ऐसा शो बन गया है ना जिसने की ब्लॉगर से लेकर के इंस्टाग्राम के छपरी रीलर्स तक को सबको मीम क्रिएटर बना दिया है। भाई सबके सब थग लाइफ बना रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इससे एक बात तो पता चलेगी कि भाई पहले सीजन का क्रेज तो एकदम ठीक ठाक है, और भाई ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सेवेजनेस प्लस रोस्टिंग के टैलेंट से भरपूर इस व्यक्ति की वजह से। फोटो आई तो फोटो यूज कर ली तुमने झगड़े में, तुम्हारे पास में अपना पेट ठंडा करने बैठता कि मेरी दुनिया जिंदगी में ये दर्द दुख है तो तुम तो मेरी ले लेते। सेवेजनेस लेवल 100% भाई। मैं कंगना रनौत और एकता कपूर से ये पूछना चाह रहा था कि इस सीजन का तो ठीक है, अगले सीजन में कौन से यूट्यूबर को लोगे? यार ये लोग कितना ही बॉलीवुड के स्टार्स के पीछे भाग जाएं, लास्ट में टीआरपी के लिए यूट्यूबर्स के पास ही आना पड़ता है। कुत्ते जैसी शक्ल है तेरी, काटने आ जाती है कुतिया। काटा नहीं है तुझे, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी को बुलाना चाहिए, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी को बुलाना चाहिए, तुझे यहाँ से निकालना चाहिए। ऐसे मत करना प्लीज, मेरी गाड़ी आएगी तो दोनों को लेके जाएगी। भाई कुत्ता कुत्ती गधा गधी चल रहा है कुल मिला के यार शो पे। यार गालियां देनी है तो थोड़ा तमीज की दो ना, मतलब क्या ही कुत्ता कुत्ती गधा गधी भाई, समझ रहे हो? कौन से शो से निकाला था? अभी निकाला है पर मैं तो पता ही नहीं, इसका शो भी नहीं देखा मैंने जिंदगी में कभी। हमने तो तेरे को ही नहीं देखा। भाई सिग्मा मेल प्रिंस, भाई यहाँ पे सिग्मा रूल लिखा तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ सिग्मा रूल #101। ऑलवेज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ योर कॉम्पिटिटर। एंड ऑल्सो भाई जब से शो पे प्रिंस की एंट्री हुई है तब से मुनावर और प्रिंस काफी अच्छे दोस्त बन गए भाई। तू मेरा फैन नहीं, मैं भी तेरा फैन हूँ, ठीक है? तू ही तो तेरी क्या बात है, तुमने क्या पकड़ लिया है, दिल या कुछ और? नहीं मैं ये एंगल में बैठा, मैं भी अक्सर पकड़ता रहता अपने दिल, दिल दो साइड तो नहीं होता तो मैं दिल तो नहीं। मैं सोच रही हूँ तुमने क्या पकड़ लिया सीक्रेट देख के। कंगना हरामी है भाई, ये एंगल में मेरे को बैठने जमता है ऐसा, तो ये एंगल में ऐसे बैठा था कि हाथ को ऐसा आराम मिले ऐसे लटके ना। अरे हाथ लटके ना, लाइक ऐसे ना हो ऐसे रहे। नहीं आजकल मुनावर के बॉल के साथ भी काफी गेम्स खेल रहे हैं। मैंने बॉल्स बनाए बनाए। अरे टिश्यू के, हम लोग टिश्यू के, हम लोग बोर होता है टिश्यू के, तुम ये सब कर रहे हो खेलने के लिए टाइम पास? खेलने के लिए टाइम पास क्योंकि तुम्हें खेले बहुत दिन हो गए क्या? यहाँ पे सबको बहुत दिन हो गए तो सब मिलके खेलते हैं। कंगना इज इक्वल टू अल्टीमेट हरामी भाई। क्या चल क्या रहा है ये सब, क्या पकड़ रखा है, क्या लटक रखा है, किसके बॉल से खेल रहे हैं, टिश्यू ले लो, व्हाट द भाई 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 चल क्या रहा है भाई, कंट्रोल। इसके अलावा भाई एक लड़की लॉकअप में ऐसी भी है जिसको कि मुनावर के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, यस भाई, और वो है पायल रोहतगी। सही पकड़े हैं। हाँ अभी वो बात अलग है कि इन दोनों के प्यार में रोमांस नहीं होता बल्कि सिर्फ एक्शन और ड्रामा होता है। बात तो सही है। मुनावर का एक चेहरा है जो उसने अभी तक शो में नहीं दिखाया, जो 10 साल पहले तुमको दिखाया था वो। लिसन, आपके चेहरे पर खुद एक मुखौटा है। मैन्युपुलेटिव डिसेप्टिव माइंड गेम्स प्लेइंग प्लेयर लाइक यू नीड्स टू गो आउट बिफोर द फिनाले। भाई भाई इसने तारीफ करी या फिर ये सुना रही थी, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। अब मुझे काउंटर तो करने दो। हाँ काउंटर करिए। तो सुनिए, तो मेरा वो उस वजह से बाहर आया 8वें हफ्ते में, क्योंकि पहली बार इस जेल में किसी ने मुझे बैकस्टैब किया, क्योंकि अभी तक तो सबकी फटती थी। आपने तो टच कर लिया तो तजी की तरह से इसको भरोसा था। जहाँ पे आप दूसरे कैदी को बोलते हैं कर कर कर। भाई कितना ज्यादा बड़बड़ करती है यार ये, बिल्कुल चुप।
बिल्कुल चुप। ये कामचोर आदमी अभी जैसे पता चलेगा आठ हफ्ते से सिर्फ बैठ के खा के मुफ्त की रोटियां खाते हुए मैं पैसे ले रहा हूँ। मुझे लगा तुमको तो इतनी वो अपना सो कॉल्ड स्टोरी बोर्ड बेचनी है तो तुम पैसे लिए बिना ऐसे ही काम कर रहे हो। स्टोरी बोर्ड बेचनी है तो मुझे तो मिलेंगे ही। तुझे दे सकते हैं तो मुझे तो देंगे ही। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें काफी डीप जाकर के इंसल्ट की गई है। मैंने तो कम मारे फिर ठुकरा के मेरा प्यार मेरे साथ चिड़िया उड़ खेलेगी। ऐसे कौन खेलता है भाई। जैसे नमक डाला, मिर्च डाला, हल्दी डाला, गरम मसाला डाला और लास्ट में डाला लहसुन और उसके बाद ऐसा बस भाई इतने में छपरी टिकटॉकर उड़ा फुर। Munawar, if I think number one Munawar, he second would be Munawar. Munawar, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दिल से भी खेलते हो, दिमाग से भी खेलते हो। 100% Munawar है इस वक्त। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। भाई बुक का क्या नाम है? How to become an actor? Munawar definitely he is a very brainy, very smart. Munawar, you are also my favorite. Hi. प्रश्न है, तुम अंजलि और Munawar कहीं घर में एक वक्त था जब तुम लोग ने एक दूसरे के प्रति रोमांटिकली फील किया? नहीं 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 ऐसा नहीं था। अंजलि सच से स्टडीइंग योर माइंड फर्स्ट एंड देन टॉकिंग। ऑनेस्टली बताओ, मैं रियली जानना चाहता हूं। नहीं इतना नहीं है। जब लगा रोमांस था समवेयर हां एक मोमेंट था आपके लिए। हरामी टिकटॉकर, मेरे को पता था ये लड़की हरामी है भाई। कुछ शर्म आया है? अंडरस्टैंड भी करता हूं। इतने दिन से हम एक साथ हैं और मैंने उसको यही चीज समझाई। Munawar से फीस आता है लेता नहीं। कंगना रनौत भाई सच में कुछ अलग ही चीज है। कंट्रोवर्सी क्वीन से डबल मीनिंग क्वीन होती जा रही है भाई दिन पर दिन। तालियां होनी चाहिए। हाँ तो भाई मैं अपनी तरफ से हमेशा अपनी वीडियोस में बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ और बहुत से रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस पर रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन भाई कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि रिएक्शन के नाम पे ओरिजिनल क्रिएटर का नामो निशान मिटा दे रहे हैं भाई। विद अदर वीडियो जैसे Munawar फारूकी सबको सारे लॉकअप के कंटेस्टेंट्स को डिस्ट्रॉय करते देखेंगे। देखते हैं वीडियो कैसी है। मेरा दिमाग खराब मत कर। देखो वीडियो कैसी है वो तुमसे किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन अगर तुम फिर भी बताना चाह रहे हो तो कम से कम ओरिजिनल क्रिएटर का नाम तो ले लो। देखते हैं वीडियो कैसी है। कुछ पूछा? मैंने मेहनत करने के नाम पे इन्होंने जिंदगी में सिर्फ शादी करने का कष्ट किया है। उसके अलावा ये दोनों मियां बीवी मिलके सिर्फ वीडियोस देखते हैं और उसमें भी ये लोग ओरिजिनल क्रिएटर का नाम लेना, उसके चैनल का नाम लेना, उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना सब भूल जाते हैं भाई। मैं लोगों को फॉलो नहीं करता, लेट्स बिगिन, देखते हैं वीडियो कैसी है। भैया स्क्रीन पे जिसकी वीडियो चल रही है ऑडियंस को पता ही नहीं कि वो है कौन। हमारे फुल वीडियो क्वालिटी मस्त चल रही है। सब के सब चोर हैं साले। थंबनेल में स्क्रीनशॉट लेके ये लगा दिया, उसके बाद में लॉकअप के ऑडियंस ने वीडियो देख ली इनकी और उसके बाद में तो भाई मेरे पास में कोई क्या ही आता देखने के लिए। अगर कोई आना चाह भी रहा हो तो भाई आएगा भी कैसे। भाई ओरिजिनल क्रिएटर जिसने पूरा दिन भर वीडियो बनाया है मेहनत करके, उसका तो नाम पता सब गायब है। और अगर तुम अभी भी इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हो तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है। वीडियो को अपलोड मारो फटाफट से, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ पे भी दोबारा रिएक्शन के लिए आए हो। और बाकी मैंने बहुत से रिएक्शन चैनल से इंस्टाग्राम पे बात करी, उनको बोला कि भाई तुमने मेरे को मेंशन क्यों नहीं किया डिस्क्रिप्शन में, तो उन्होंने मेरे को मेंशन कर दिया। बाकी देखो यार मैं किसी को हेट नहीं करता, लेकिन जब हम दिन भर मेहनत करके कुछ बनाते हैं और लास्ट में हमारी मेहनत का फल कोई और खा जाता है ना, तो थोड़ा बुरा लगता है भाई। ओके और भाई ये मेरा थोड़ा सा खौफनाक मोड ऑन हो गया था थोड़ा। एंड यार अगर तुम लोग नए हो चैनल पे तो भाई जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, देख ही सकते हो तुम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब हूँ मैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करो भाई। ओके और बाकी यार कमेंट करके बताओ कि पायल और Munawar की नोकझोंक आप लोगों को कैसी लगती है। तो बाकी बस यार मैं मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बी सैवेज एंड पीस आउट। भाई दोनों हाथों से पीस आउट।